जुनूनियत एक लव स्टोरी है और मेरा किरदार एक आई एम डूइंग अ कैमियो एक्चुअली गेस्ट अपीयरेंस है, मगर एक बहुत ही अलग है मेरा जो किरदार, मिष्टी नाम है मेरे किरदार का और बंगाली लड़की है और शायद ये एक हटके रोल है, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि जहाँ मैं फुल फ्लेज्ड रोल्स कर रही हूँ आई शुड डेफिनेटली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज एन एक्टर। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं, मुझे उनके साथ काम करना था। मैं जब उनको मिली थी तो उन्होंने कास्टिंग कर ली थी एंड तब उन्होंने मुझे कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंड मैं चाहूँगा कि तुम करो, क्योंकि वो रोल ऐसा है कि वो उभर के भी आएगा और ये फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो इस कहानी को भी आगे बढ़ाता है। मिष्टी यामी का भाई होता है जो फौज में होता है, वो मर जाता है तो एक यंग विडो है। हम जब सिनेमा में देखते हैं यंग विडो तो ऐसा लगता है कि अरे दुखी, सैड, ओल्ड, बट ऐसा कई बार होता है जो फौज में होते हैं या कितने हमारे जो जवान होते हैं उनकी बीवियाँ होती हैं, यंग विडोज़ होती है। तो क्योंकि एक मॉडर्न लड़की है, पढ़ी लिखी है, बहुत ही डायनामिक है, इनफैक्ट शी इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ, ऐसा लगता नहीं आपको जब आप पहली बार देखेंगे स्क्रीन पे तो लगता है यामी और ये दोनों बहनें हैं या दोस्त हैं, और धीरे धीरे ये कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है। इस फिल्म में जो हम डेफिनेशन देते हैं एक लव स्टोरी की, तो जब किसी से पूछा जाता है या हम एक डिस्कशन में होते तो हर किरदार को पूछा जाता है व्हाट इज़ लव, तो प्यार क्या है, तो मिष्टी का ये कहना है कि प्यार इंतज़ार है, और क्योंकि उसके ऊपर जो बीती है एंड शी अंडरस्टैंड्स व्हाट इटर्नल लव इज़, एक बहुत ही स्वीट शॉर्ट एंड स्पेशल रोल है मेरा इस फिल्म में एंड आई एम श्योर एंड होपिंग दैट एवरीबडी लाइक्स इट। आई थिंक यामी और मैं वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स एंड मोर देन एनी थिंग लड़कों को तो ये लगता था कि दो लड़कियों की पट गई कैसे, बिकॉज नॉर्मली डजेंट हैपन द टू फीमेल कोस्टार्स वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स, आई डोंट नो, बट आई थिंक शी इज़ लवली, शी इज़ ग्रेट टू वर्क विथ एंड वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क एंड पुलकित इज़ फन लविंग एंड मिस्चीवियस एंड गुलशन इज़ ऑल्सो लाइक दैट, सो अच्छा लगा, इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं सारे स्केड्यूल्स में नहीं थी बिकॉज आई हैव अ ब्रीफ रोल, बट वॉट एवर आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई एन्जॉयड माई सेल्फ। मैं कहूँगी कि देखिए जॉनर तो लव स्टोरी है, एवरी लव स्टोरी हैज़ द सेम काइंड ऑफ फ्लेवर बट इट्स डिफरेंटली टोल्ड, और क्योंकि एक चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए कि एक लव स्टोरी को अगर दर्शकों के सामने अलग तरीके से ले आए, आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी। एंड आपने इस पैर को पहले भी देखा है पुलकित यामी को, बट विथ गुलशन्स रोल एंड माई रोल आई थिंक लोगों को एक अलग कास्ट एंड स्टोरी ज़रूर दिखाई देगी, तो यू शुड गो एंड वॉच इट एंड एन्जॉय इट।